श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या। फिर अर्जुन को बताया जाता है जो हस्तिनापुर आने के बाद भी अपनी धनुर्विद्या के अभ्यास में निरंतर खोया रहता है। कदाचित उसके मन में कहीं यह आभास छुपा हुआ था कि उसे आने वाले समय में कोई महान युद्ध करना पड़ेगा। इन्हीं दिनों श्री कृष्ण ने बलराम को बताया था कि पांडवों पर एक भीषण संकट आने वाला है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शकुनि ने एक भीषण षड्यंत्र रचा है और इस डर से कि पांडवों की हत्या पर प्रजा विद्रोह ना करे, उसने अपनी सहायता के लिए एक गुप्तचर को जरासंध के पास भेज दिया है। उधर जरासंध कहता है कि कृष्ण के जीवित होने के वजह से परिस्थिति में बदलाव हो गया है और यह चिंताजनक है। तब शल्य बताते हैं इस परिस्थिति में बदलाव हो सकता है यदि युवराज युधिष्ठिर की हत्या हो जाए। तो यह सुनकर सभी सभासद दंग रह जाते हैं। फिर महाराज शल्य शकुनि के षड्यंत्र और राज्य में विद्रोह की बात बताकर कहते हैं उन्हें हमारे सैनिकों की आवश्यकता पड़ सकती है। जरासंध कहता है आदि उत्तम महाराज शल्य, हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। फिर दुर्योधन और शकुनि के बीच वार्तालाप को बताया जाता है जिसमें दुर्योधन युधिष्ठिर के युवराज बनने पर कहता है कि मामाश्री आपके सभी वचन मिथ्या हो गए। कर्ण ने कहा था कि विद्रोह करो लेकिन आपने नहीं करने दिया। तब शकुनि बताता है कि तुम द्रोण और पितामह भीष्म से नहीं लड़ सकते थे। बाद में शकुनि दुर्योधन को बताता है कि वह किस तरह कुंती सहित पांचों पांडवों को एक महान तीर्थ स्थान भेजकर वहां उनकी मुक्ति का षड्यंत्र रच रहा है। फिर शकुनि वारणावात में लक्षाग्रह की योजना बताता है जिसमें पांचों पांडवों को जलाकर मार देने के षड्यंत्र का खुलासा करता है। वह कहता है कि मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत का पुरोहित बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजा है जो यह बताएंगे कि महाराज जब से लोगों ने सुना है कि इस बार युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से वारणावत के लोगों की एक ही इच्छा है कि उनके चारों भाई भी वहां पधारने की कृपा करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई वहां पूजा के लिए जाया करते थे। इस तरह शकुनि सभी को धृतराष्ट्र की आज्ञा से वारणावत भिजवाने की आज्ञा दिलवा देता है। क्या बता दें आपको, दुर्योधन को शकुनि वारणावत में पांडवों को लक्षाग्रह में जलाकर मारने की योजना बताता है। उसके षड्यंत्र के तहत ही धृतराष्ट्र कुंती सहित पांचों पांडवों को वारणावत भेजने की आज्ञा दे देते हैं। उधर कुंती को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए बताया जाता है, जहां युधिष्ठिर आकर उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि मैं आपकी आज्ञा से युवराज बनने के बाद प्रजा में जाकर प्रजा के सभी दुख सुख की बातें सुनकर उचित रीति से उनकी समस्या का हल करता हूँ। युवराज बनने के बाद कुंती युधिष्ठिर को राजा के गुण और राज धर्म की बातें बताती है। फिर वहाँ एक सेविका गोमती आकर कहती है कि महाराज ने युवराज को अपने महल में तुरंत बुलाया है। युधिष्ठिर वहाँ से जाने लगते हैं तो कुंती कहती है कि संभवतः वारणावत तीर्थ में शिव पूजा का महोत्सव आने वाला है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार एक राजा को प्रतिवर्ष वहां जाना पड़ता है। तुम्हारे पिताश्री वहां जाया करते थे, बड़ा आनंद आता है, तो महाराज इसलिए तुम्हें बुला रहे होंगे। यदि ऐसा है तो उनसे मेरे लिए भी आज्ञा मांग लेना, मेरा भी बड़ा मन होता है वहाँ जाने का। युधिष्ठिर वहाँ से आते हैं तो बाहर उन्हें घोड़े पर सवार उनके चारों भाई मिलते हैं। भीम पूछते हैं इतनी प्रातः भैया कहाँ जा रहे हो। युधिष्ठिर कहते हैं महाराज ने बुलाया है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं परंतु तुम चारों भाई अस्त्र शस्त्र धारण करके कहाँ जा रहे हो। इस पर भीम कहता है कि हम प्रतिदिन अभ्यास करते ही हैं, परंतु मैंने आज कुछ विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिससे यह पता चले कि कौन कहाँ तक प्रवीण हुआ है। यह सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं अच्छी बात है, और वे फिर रथ पर सवार होकर चले जाते हैं। इधर चारों भाइयों को अस्त्र शस्त्र से लैस और घोड़े पर सवार होकर युद्धाभ्यास करते हुए बताया जाता है।
दूसरी ओर महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बुलाकर वारणावत तीर्थ स्थान पर जाकर शिव उत्सव में शामिल होकर प्रजा को दान देने की आज्ञा देते हैं। इस पर युवराज युधिष्ठिर कहते हैं, यदि महाराज इसकी भी आज्ञा दे दे तो कृपा होगी। धृतराष्ट्र कहते हैं, यदि देवी कुंती की इच्छा तो है तो हमारी ओर से आज्ञा है, जाओ अब यात्रा की तैयारी करो। युधिष्ठिर कहते हैं, जो आज्ञा तात श्री। उधर माता कुंती के पास आकर चारों भाई अपनी प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं और फिर कुंती उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाती है। दूसरी ओर शकुनी यह सुनकर खुश हो जाता है कि पांडव वारणावत जाने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर लाव लश्कर के साथ कुंती और पांचों पांडवों को वारणावत तीर्थ की ओर प्रस्थान करते हुए बताया जाता है। इधर एक सेवक आकर महामंत्री विदुर को कहता है कि द्वार पर एक साधु आया है, उसने आपके लिए ये फल दिया है। कहता है, चामुंडा देवी के मंदिर से ये प्रसाद आपके लिए लाया है। ऐसा कहकर वह सेवक वह फल विदुर के हाथ में दे देता है। विदुर उस पपीता के फल को अपने पास रख कर कहते हैं, जो आदमी इतनी दूरी से देवी का प्रसाद लेकर आए हैं, उन्हें आदर से आंगन में बिठाकर भोजन कराओ, हम स्वयं आकर उनके दर्शन करेंगे। इस पर सेवक कहता है कि मैंने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो भोजन का समय है और ना दर्शनों का, उन्हें बहुत जल्दी है, वे किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वे जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत ठंडी होगी। यह सुनकर विदुर सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि तोष खाने से गरम चादर लाकर उन्हें भेंट करो और हमारी ओर से शुभकामनाओं का संदेश ले जाकर कहो आपकी यात्रा सफल हो। यह सुनकर सेवक कहता है, जो आज्ञा। सेवक के जाने के बाद महामंत्री विदुर देखते हैं कि उस पपीता के फल में लाल कंकु लगा है। वे उसे हटाते हैं तो उस पपीता का कुछ भाग कटा हुआ नजर आता है। कटे हुए टुकड़े को निकालते हैं तो उसमें एक पत्र रखा होता है, जिसे देखकर वे चौंक जाते हैं। उस पत्र को निकाल कर पढ़ते हैं, जिस पर लिखा होता है, शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें, हमें पूरी जानकारी वेबसाइट सौरलिता कुंभ से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट चाइनीज वीडियो।